ओम शांति। आज 25 मई 2023 आज की साकार मुरली से हमें गुण सीखने मिलता है ट्रस्टी बनने का। बाबा ने आज मुरली में कहा, बच्चे देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ा दो ना? और एक बाप को याद करो तो ममत्व निकल जाएगा ना। बलि चढ़ाना अर्थात बाबा को अर्पण कर देना ना? परमात्मा के पास हम बच्चे जब आते हैं तो परमात्मा से हम अपने अंदर में जो भी पाप कर्म विकर्म है उनसे मुक्त होने के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ परमात्मा से योग सीखकर अपने अंदर पुण्य कर्म की कमाई जमा करने के लिए आते हैं। तो अब ये कर्म आत्मा के लिए करना है, आत्मा को पावन बनाना है, जिसके लिए बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। योग लगाने से आत्मा पावन बनती है, जितना योग लगाएंगे उतने विकर्म विनाश होते जाते हैं और आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती है। विकर्म विनाश होने से फिर पुण्य कर्म का खाता भी बढ़ता है। तो इसीलिए परमात्मा की याद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर देते हैं, मोह ममत्व निकाल देते हैं, क्योंकि मैंपन मेरापन की रगे जहाँ जुड़ी होती है तो फिर वो धागे हमें ना मुक्त होने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बांध कर रखते हैं। तो ममत्व निकालना, जिसके लिए मेरापन खत्म करना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो बलि चढ़ा दो, मुझे दे दो। देने का अर्थ मन और बुद्धि से उसको सब कुछ अर्पण कर देना ना, अपनी देह भी ना, उसमें भी ममत्व न रहे। तो एक बाबा दूसरा न कोई ना, ये बुद्धि के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब हम सब कुछ बाबा को अर्पण कर देते हैं अर्थात बलि चढ़ा देते हैं, यानी सब कुछ उसको दे देते हैं, भगवान सब कुछ तेरा है, तब बाबा भी हमें क्या कहते हैं, बच्चे ये सब कुछ तुम संभालो ट्रस्टी बनकर। बाबा हमें ही ट्रस्टी बना देता है, और ट्रस्टी बनकर जब हम उसे संभालते हैं तो क्योंकि हम निमित्त है कार्य परमात्मा का और हमें निमित्त बनाया गया है, तो निमित्त भाव से वो करते हैं तो कार्य में कुशलता भी आती है, सफलता भी प्राप्त होती है, और ममत्व नहीं है तो वो बातें हमें खींचती भी नहीं है। तो ममत्व से मुक्त कर देते हैं, अंदर से लोभ मोह जो है वो खत्म हो जाता है, और आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है, उसके ओरिजिनल गुण ओरिजिनल संस्कार है, उनको वो यूज़ कर पाती है। जहाँ देह और देह की सीमाओं में बंधे रहने के कारण से मैं और मेरे में अटक जाते हैं, लेकिन जहाँ आत्मिक स्थिति में निमित्त बन कर के कार्य करते हैं उतने हम आगे बढ़ते जाते, उन्नति होती जाती है। तो ममत्व निकाल कर संपूर्ण समर्पण कर अपने आप को परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलाएं, यही ट्रस्टी बनना है। तो ट्रस्टी बनकर हर कार्य करें और सफलता प्राप्त करें। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।